हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल की दुल्हन की रेसिपी। तो फ्रेंड, ये जो रेसिपी है ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। और इसे बनाने के लिए आपको सिंपली जो गुथा हुआ आटा होता है, जो आप जिसे रोटी बनाते हैं वही वाला आटा आपको लेना है। और उसकी जो लोई है वो नॉर्मल साइज़ की जो लोई होती है उससे थोड़ी बड़ी लेनी है। और उसे आप पतला पतला बेल लीजिए जैसे रोटियां बनाते हैं उस तरह से। और जब ये बन जाए तो इसे क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि थोड़ा पतला बने। देखिए इतना कम से कम होना चाहिए। कोई छोटी कटोरी ले लें ताकि इससे आप छोटा छोटा सा इसका कट बना सकें। तो ये मैंने कटोरी ली है और इससे मैं छोटा छोटा इस तरह से कट कर लूँगी। बनने के बाद एक्चुअल में ये एकदम पास्ते के जैसा लग रहा था इसका लुक, और खाने में भी सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा था जैसा हम लोग पास्ता बनाते हैं घर में उस टाइप से। तो बहुत ही इजी इसको बनाना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसे बनाने के लिए ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं है। और आटा सिंपली सबके घरों में होता है तो आप आराम से नॉर्मली इसको बना सकते हैं, अलग से आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कट हो चुका है और एक्स्ट्रा का जो आटा है उसको निकाल लेंगे और दोबारा से इसकी लोई बना लेंगे। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आती हैं वो आप देख सकें। तो इस तरह से ये कट हो चुका है और जो बाकी का जो आटा था उसको भी इसी तरह से बना लेना है। और अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे शेप देना है। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद ये दोबारा से यहाँ से फोल्ड कर लेना है। तो ये थोड़ा सा इससे पास्ते के आकार का दिख रहा है देखने में, तो बहुत ही इजी है। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा जो है वो हल्का सा गीला था इसलिए चिपक रहा था। तो इसे बनाना बहुत आसान है, मैं अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और जो फोल्ड करने के बाद इसका जो कॉर्नर है उसे फिंगर से पकड़ के इस तरह से दबा देना है तो आटा जो है अपने में खुद ही चिपक जाएगा और इसका जो शेप है वो आ जाता है। तो ये वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो अगर आपके घर में एक दो लोग हैं तो वो लोग आराम से इसको एंजॉय करते करते बना सकते हैं। बस इसी में टाइम लगता है, बाकी और बहुत ही इजी होता है ये बनाना। बस ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि पूर्वांचल की ये रेसिपी है। तो पहले क्या किया करते थे, जो हमारे घर की लेडीज़ होती हैं वो इस तरह से आटे की डिज़ाइन बनाते बनाते खेल खेल में एक रेसिपी बना लेती थी, और इसीलिए इसको दाल की दुल्हन कहा जाता है। और क्या करते हैं पूर्वांचल में किस तरह से सेब बना बना के आटे का और इसे दाल के साथ पकाते हैं, तो आप इसे दाल के साथ भी बना सकते हैं। और कुछ लोग इसको सब्जियों की तरह बनाते हैं और मैं इसे पास्ते की तरह बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए इसको दाल की दुल्हन कहा जाता है। आजकल के लाइफ स्टाइल में लोग चाइनीज़ फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, खास करके बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी डिशेस हैं जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, और अगर आप उसे बनाते हैं तो ये किसी भी विदेशी आइटम को जो है टक्कर दे सकता है। और ये जैसे मैं बना रही हूँ ये पास्ते से लाख गुना बेटर है और आटे का बना हुआ है तो जाहिर सी बात है हेल्दी भी है। तो अब ये बन चुका है ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, आप एक कढ़ाई में पानी लीजिए, मैंने एक ग्लास पानी लिया है और जो आपने बनाया है उसके हिसाब से पानी लीजिएगा। और पानी के बाद मैंने क्या किया, इसमें एक चम्मच नमक डाला है और दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। और जब ये पानी खौलने लगे तो आपको एक एक करके इसमें डालना है। ध्यान रखिएगा एक एक डालिएगा, अगर आप इकट्ठे डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा। ऑयल इसमें इसीलिए डाला गया है ताकि आपस में चिपके नहीं। और पानी को जो है क्या करना है आपको, उबालना है मीडियम फ्लेम में। और इस तरह से आप इसमें जितना भी आपने बनाया हुआ है मटेरियल पूरा इसमें डिप कर लीजिए कढ़ाई में। और जब ये अच्छे से आप इसमें डाल दें तो इसे ढक दें, कवर कर दें। और मैंने जो पहले प्लेट लगाई थी उसे अच्छे से कवर नहीं हुआ था इसलिए मैंने इस प्लेट से कवर किया। और कवर करने के बाद कम से कम 10 मिनट आपको मीडियम फ्लेम में ही इसको बॉयल कर लेना है। और अब ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब बॉयल होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है और अब ऑलमोस्ट 50% काम आपका हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैंने प्याज यहाँ काट ली है और इसके साथ ही साथ हरी मिर्च काटी है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और जब ये गर्म हो जाए तो ये प्याज और मिर्च जो है इसे तड़का लगा देंगे।
और साथ ही साथ मैंने इसमें दो बड़े टमाटर कट किए हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी, जो मिक्सर से पीस के की ग्रेवी बना सकते हैं प्याज की, उसका भी यूज़ कर सकते हैं और काट के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने टमाटर को क्या किया, ढक दिया है ताकि अच्छे से पक जाए, और फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और ये पक रहा है इस तरह से। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी और मसाले इसमें अच्छे से पक सके, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। मसाले के लिए मैंने मैगी मसाला यूज़ किया है, एक पैकेट बहुत ईजिली मिल जाता है दुकानों पे ये, तो एक पैकेट मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और फ्लेम को अब मैंने थोड़ा सा हाई पे कर लिया है और जो टमाटर था उसको अच्छे से गला लिया है। उसके बाद ये जो मटेरियल हम लोग ने बनाया था उसको इसमें मिक्स करके सिंपली चला दिया है, तो ये अब बन चुका है। इसको डेकोरेट करने के लिए आप इसमें धनिया, हरी धनिया की जो पत्तियाँ होती हैं वो काट के डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ यूज़ नहीं किया है, बस ऐसे ही हम लोग इसको खाने वाले हैं। तो फाइनली ये बन गया है, बहुत टेस्टी बना था गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। तो आज की ये जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। तो वीडियो में इतना ही था, होप्स हो कि आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय। स्वादिष्ट है।